ट्यूटोरियल फॉर लर्न की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग जो कीबोर्ड ओवर टाइपिंग की प्रॉब्लम है हायर Y11c में उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने एक मेथड बताया था कि हम लोग वो फिल्टर की ऑन कर लेते हैं कंट्रोल पैनल में जाके, तो ये दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे किया था वो। ये देखें कीबोर्ड यहाँ पर गए थे और यहाँ से यहाँ पर जाके फिल्टर की जो था ये ऑन कर दिया था, और इससे फिर हम लोगों ने वो प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व की थी, किसी हद तक सॉल्व हो गई थी लेकिन वो प्रॉपर सोल्यूशन नहीं था, कभी कभी ये दोबारा तंग करने लग जाता है। तो इसके लिए एक इवेंट फिल्टर सॉफ्टवेयर है, सॉरी इवेंट फिल्टर ड्राइवर है, ये देखें ये वाला है HID इवेंट फिल्टर ड्राइवर। तो ये वाला ड्राइवर जो है विंडो 10 का, इसको आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो इसको डाउनलोड करने के बाद आप जब इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका जो कीबोर्ड का प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखें अब इसको डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, मैंने पहले भी डाउनलोड किया हुआ है तो ये यहाँ पर ऐसे आ रहा है, इस तरह करके आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद ये आपको उधर डाउनलोड्स में मिलेगा, ये मैंने डाउनलोड कर लिया है ड्राइवर, इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। मैं इसको इंस्टॉल करूँगा यहाँ से, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब यहाँ पर इसको आप यस करेंगे, अब यहाँ पर ये इंस्टॉल हो रहा है, इसको नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लेंगे। ये जो आप ड्राइवर इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद अपना पीसी रीस्टार्ट करेंगे तो आपका जो कीबोर्ड का ओवर टाइम का प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।